हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? ओके, हमने लास्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर कंप्लीट किया था. टुडे आई विल लर्न फोर्थ चैप्टर, मैंगोज अराउंड द ईयर. चैप्टर फोर, ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 35. यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे थे आपस में. पहले क्रिपल, वाव हर्स, देर आर स्वीट पूरीज इन योर टिफिन. टिफिन में स्कूल में बातें कर रहे थे लंच के टाइम. तो क्रिपल ने कहा कि हर्स, वाव, तेरे टिफिन में तो स्वीट पूरी है. हे, टुडे क्रिपल हैज़ बॉट पोटैटो सब्जी. और हर्स ने बोला कि क्रिपल आज उस टिफिन में पोटैटो सब्जी लाई है. रुचि ने बोला, मैं भिंडी लाई हूँ, भिंडी की सब्जी लाई हूँ. क्रिपल हर्ष ने बोला, ओ क्रिपल, आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल. हर्ष ने बोला कि क्रिपल, आई थिंक तुम्हारी सब्जी खराब हो गई है. रुचि, डोंट ईट दैट, यू मे फॉल सिक. हैड यू हियर यू बेक, टेक सम भिंडी. ये तुम मत खाना क्योंकि उससे बीमार हो जाओगी, इससे अच्छा है तुम भिंडी खा लो. तो ऐसे क्यों फूड ख़राब हो जाता है? अगर हम समर के टाइम पे सम सब्जी ऐसे सम आइटम्स फूड आइटम्स ऐसी होती है जिसे हम बैक करके रखते हैं तो थोड़ी देर में ही वो स्पॉइल हो जाती है. और सम सब्जी ऐसी होती है जो धीरे धीरे स्पॉइल होती है. जैसे कि कोई फूड आइटम को हम कितने दिनों तक, वीक तक रख सकते हैं, जैसे कि ईयर तक भी रख सकते. पिकल एक फूड आइटम ही है, उसे हम पूरा ईयर स्टोर कर सकते हैं. वैसे कोई ऐसे फूड आइटम्स हो जिसे हम फ्रिज में रख के यानी कूल क्लाइमेट पे ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं, बट सब्जी है, पूरी है, इन सबको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, वो एक ही दिन के लिए बनती है. और फूड वेस्टेज, फूड का वेस्टेज कैसे होता है? अगर हम ज़्यादा खाना बना दें और फिर इतने खाने की ज़रूरत ना हो, उससे ज़्यादा बना दें तो भी वो वेस्टेज में जाता है, डस्टबिन में फेंकना पड़ता है. या तो हम प्लेट में हमें जितना खाना हो, भूख ना हो, उससे ज़्यादा लें तो भी वो वेस्ट होता है. तो यहीं पे फूड वेस्टिंग यही डिस्कस किए थे, कैसे स्पॉइल होता है. आपको भी कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आप लंच में कुछ ऐसे फूड आइटम लेकर आए हो लेकिन उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, या तो उसमें से गंदी स्मेल आती है, जिसमें से गंदी स्मेल